नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए, जबकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो आपके पास हमारा वीडियो बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल पर अभी नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, लाल घंटी दबाना है आप ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम सूप बनाने चल रहे हैं सर्दी के मौसम में। तो सर्दी कितनों भयंकर हो दोस्तों, तो इस तरह से सूप आप बनाएंगे तो बहुत फायदे वाला चीज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि हम पात गोभी को आपको ध्यान देना है कि किन सभी सब्जियों को कैसे काटना है। पहले बिल्कुल बारी हुए हमने गोभी को काट लिए हैं, छोटे टुकड़े देख रहे हैं एकदम बिल्कुल है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि गोभी को हमने काट कर धो लिए हैं, टमाटर हमने थोड़ा बड़े बड़े साइज में काटे हैं। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हमने अदरक छोटे टुकड़े में लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दो लहसुन छोटे साइज में छिलके उतार के रख लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक प्याज बड़े साइज में काटे हैं। यहाँ पे आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप प्याज लहसुन मत डालिए। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि प्याज भी हम डाल दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं शिमला मिर्चा एक लिए हैं छोटे टुकड़े में, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हमने गाजर को कट कर लिए हैं, गाजर को भी बारी हुई काट के रख लिए हैं। तो गाजर जैसे देखते हैं बहुत विटामिन वाली चीज़ होता है, गाजर को पूछिए मत कितना विटामिन रहता है इसमें। यहाँ पे पात गोभी, तो दोस्तों पात गोभी को भी बारी हुई काट लिए हैं। अब सभी चीज़ों को हम ले लिए हैं। तो दोस्तों जैसे जितनी मंडी में इसका दिख रहे हैं, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा साजे सब्जी बिक रहे हैं, तो आप सब्जी इसमें किन कर डाल सकते हैं जो आपको पसंद सब्जी हो, चुकंदर उकंदर सब कुछ इसमें पड़ता है दोस्तों सूप बनाते समय। अब यहाँ पे दोस्तों हमने देख रहे हैं कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, गर्म हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक को डाल दिए हैं और यहाँ इस पर थोड़ी देर तक इसको भून लेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है आपको इसको। अब इसको देखें, इसमें हम प्याज डालेंगे तो प्याज को भी इसी में हम डालकर 7:30 में भूनेंगे। इसको बस हल्के हल्के आपको भूनना है। तो प्याज को भी डाल दिए हम, अब प्याज को भी भून लिए हैं। तो अब इसमें जैसे देख रहे हैं गाजर कटी हुई डाल रहे हैं, तो दोस्तों गाजर को भी डाल के भून ले रहे हैं इसी में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पात गोभी डालेंगे हम। अब गाजर हमारा भुना गया है, बस दोस्तों हल्के हल्के से आपको भूनना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पात गोभी भी, दोस्तों आप जैसे सूप बना रहे हैं तो पात गोभी ज़रूर डालें। इसमें देख रहे हैं पात गोभी भी डाल दिए। आपको इस तरह की सूप नहीं पसंद हो तो आप जैसे सभी चीज़ों को जैसे देख रहे हैं मिक्सर में डालकर इसको उबाल करके, पात गोभी हो शिमला मिर्चा हो गाजर हो, सभी चीज़ों को आप एक सीटी पका दीजिए, अच्छे से मिक्सर में पीस लीजिए, उसके बाद इसका तड़का लगा दीजिए। तो इस तरह दोस्तों बहुत टेस्टी हो जाता है सूप बनाने में। तो आज हम तो आपको अलग तरीके से सूप दिखा रहे हैं बनाने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं डाल दिए हैं, तो इसमें शिमला मिर्चा को भी डाल दिए। अब इसको भी भून ले रहे हैं इसी में, टमाटर को भी डालें, टमाटर बहुत ज़रूरी होता है सूप में डालने समय, टमाटर को ज़रूर डालें आप। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि इसको हम इसी तरह से चला चला के इसको पका दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे देखते हैं हम नमक डाल देंगे तो बहुत जल्दी से हमारा ये सब्ज़ी चूर जाता है। अब इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं, नमक आप पानी डाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पहले से डाल दे रहे हैं इसमें। आप इसमें डाल रहे हैं दोस्तों जैसे देख रहे हैं बच्ची छोटी बोल रही है बार बार, आप कमेंट मत करिएगा कि बच्ची बोल रही है। यहाँ पे दोस्तों हम इसको डालकर चला दे रहे हैं। अब इस तरह से दोस्तों हम इसको चलाएंगे 1-2 मिनट तक। अब यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी हल्के से गल गया है दोस्तों। इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि हम इसको बना रहे हैं सूप को, तो आपको जैसे पलिवार इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्के से हल्दी डाल दे रहे हैं। हल्के से हल्दी डालने पे सूप जैसे होता है बहुत टेस्टी होता है। तो हल्दी दोस्तों देखते हैं कितने सेहत के लिए अच्छा रहता है ठंड के मौसम में, तो इसलिए हल्दी ज़रूर डालें आप हल्का सा। अब इसमें दोस्तों हम पानी को मिलाएंगे, पानी इसमें हम 2 लीटर मिलाएंगे पूरे। जैसे 2 लीटर पानी मिलाएंगे दोस्तों तो 1 लीटर पानी हमारा जल जाएगा, 1 लीटर पानी इसमें बचेगा। तो जैसे दोस्तों आपके घर में फैमिली हो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं सूप को। हम 9 लोग के लिए बना रहे हैं सूप को। तो दोस्तों पीने वाले रहते हैं जैसे सूप को देखते हैं कि 4 ही लोग पी लेते हैं 2 लीटर
यहाँ पे दोस्तों 2 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर डाले हैं। आप इसमें जीरा लाल मिर्चा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम लाल मिर्चा पाउडर और जीरा नहीं डाले हैं। अब इसमें मटर और इसमें देख रहे हैं चने दाल हल्के से भे थे, इसको भी डाल दिए। इन सभी चीज़ों को डालने से बहुत अच्छे सूप बन जाता है। अब बहुत गाढ़े सूप होता है। अब दोस्तों देख रहे हैं इसको अच्छे से चला ले रहे हैं। अब चलाकर दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा झोल जैसे गाढ़ा हो रहा है सूप हमारा, यह हल्के हल्के गाढ़ा हो रहा है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इसमें एक नींबू जैसे देख रहे हैं हम गार कर रखे हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं, नींबू का जूस भी। इससे बहुत अच्छा सूप लगता है पीने पे। नींबू का भी जूस डाल दिए इसमें। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको ढक देंगे, ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर तक। अब इधर देख रहे हैं कि 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिए हैं चीनी पाउडर, इसको भी डाल दे रहे हैं इसमें घोल बना के। इन सभी चीज़ों को डाल दिए। अब ये जैसे सूप है बहुत टेस्टी सूप बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है सूप। अब बहुत टेस्टी ये सूप बन गया है। अब बहुत फायदे वाला चीज़ है ये। अब यहाँ पे कटी हुई धनिया पत्ती डाल दिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और सूप भी बहुत अच्छा बन गया है दोस्तों। और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने गाढ़ा सूप बना है देखिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन बहुत आराम से पहुंच जाए। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।